Hi, this is Elisha, and I'm doing this segment called Revisiting / Story Behind My Instagram Pictures with Bazooka. Okay, so सबसे पहला पिक्चर ये है. ये तो जब कैन वॉक किया था मैंने तब का है. तो यार ज्यादा कुछ स्टोरी नहीं है, तो मैं काफी बार बता चुकी हूँ सबको कि you know, इस बार काफी चर्चा हुई कैन की. So जो कैन का एक्सपीरियंस एंड समथिंग लाइक दैट, हाउ वाज इट? It was amazing. 2022, right? 2022, and it was a big tick. Like, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं करूँगी, जाऊँगी. That was something that I never planned, never thought of, and it felt surreal, honestly. इतना कुछ सीखा वहाँ पे. Like, I got to witness something totally out of the world. You know, an atmosphere, a vibe, which was something that I wasn't anticipating. हालांकि पता सबको होता है आपको कि can, but the moment you land there, the moment you reach there, and you see around, the vibe is तब समझ आता है. Next. This is जब मैं तानिया और कृतिका, तानिया की बहन, हम तीनों गए थे मॉल्डीव्स. शर्मा सिस्टर्स. तो हम लोग मॉल्डीव्स गए थे. तो स्टोरी कुछ ज़्यादा ऐसी थी नहीं. इसमें मरजावा जो टेलीविजन पे आ रहा था वो ऑफ़ेयर हुआ था, मतलब एंड वी वर गोइंग ऑन बूट. तो बीच में थोड़ा सा टाइम था एंड आई रियली वांटेड टू स्क्वीज़ इन अ हॉलीडे. तो हम ऐसे ही प्लान कर रहे थे कि वो प्लानिंग गोवा, बट गोवा से फिर मॉल्डीव्स प्लान हो गया. तो हम वहाँ चले गए थे. इट वॉज अ गुड गर्ल्स ट्रिप. दिस इज क्यूट पिक्चर. इट्स अ वेरी क्यूट पिक्चर. ये एक्चुअली एक हार्ड कॉपी है जिसमें से मैंने पिक्चर ली हुई है. ये मेरे भाई का मुंडन सेरेमनी था. तो मनाते हैं ना धूमधाम से. गुजराती में तो धूमधाम से मनाते हैं मुंडन. तो सुबह मुंडन होता है, फिर शाम का से पूरा रिसेप्शन टाइप फीलिंग आती है. सबको खाने पे बुलाते हैं. इसमें मामा जी की हालत हो जाती है. आई डोंट नो, मैं भी बहुत छोटी थी उस टाइम पे. तो बट ये मैम मेरे को मेरा भाई कुंडे जैसा लग रहा था. द नेक्स्ट पिक्चर. दिस इज फ्रॉम द पोस्टर शूट फॉर सुफियाना प्यार मेरा. अगेन दिस इज अ लुक जो मेरे को बहुत पसंद है. पोस्टर शूट कर रहे थे या हम प्रोमो शूट कर रहे थे, दोनों में से कोई एक चीज थी. द हेवी ड्रेस, द हेवी बट प्रॉपर जो एक ब्राइडल मुस्लिम ब्राइडल अटायर है. ये ऑल्सो मेरा प्रोमो का लुक भी था उस शो का. तो हाँ यार, सल्तनत प्यार था मुझे. A very favorite character of mine. Like, next picture is this. यार ये झलक दिखलाजा कर रही थी. एक poster लगा था मेरा. तो आज भी किधर अगर poster लगा रहता है तो would you stop and click pictures? You know, fun fact, मेरा उसके बाद कभी कोई poster लगा ही नहीं. Okay. I am waiting कि अभी कोई poster लगे. I hope. तो हाँ, सारे shows, इतने shows कर लिए. किसी ने भी वहाँ पे कोई पोस्टर नहीं लगवाया. ये कहाँ की जगह है? Do you remember the place? I think कहीं, मुझे नहीं पता है, मुझे दिल्ली लग रहा है for some reason. किसी ने भेजा था. मेट्रो स्टॉप लग रहा है. मेट्रो लग रहा है. और तब मुंबई में मेट्रो था भी नहीं. तो मुझे लगता है ये दिल्ली होगा. झलक की याद है. हाँ, मुझे किसी ने भेजा था, मैंने भी नहीं क्लिक किया था. दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम स्वरागिनी व्हेन सलमान एंड सोनम, सलमान सर एंड सोनम, दे केम प्रेम रतन प्रमोशन के लिए आए थे. तो एक डांस आई स्टिल रिमेंबर दिस एपिसोड. प्रेम रतन धन पायो, ये वो है द लास्ट वन. ये है स्वरागिनी के टाइम का ही है. हमारी रश्मि मैम जो प्रोड्यूसर हैं, उनका ये डॉग है. तो वो सेट पर आई थी, तो वो अपने ये डॉगी को लेकर आई थी. तो मुझे बहुत ही क्यूट लगता था, बट उस टाइम पे मैं उतनी फ्रेंडली नहीं हुआ करती थी कुत्तों के साथ. तो मैंने इसे दूर से ऐसे पिक्चर ली थी. एंड उस टाइम पे पाउट बहुत फेमस था. हाँ, तभी तभी अभी भी फेमस है. कम हो गया है, क्रेज कम हो गया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. एंड इंस्टाग्राम की सारी यादें, काफी अच्छी यादें आपकी. थैंक यू सो मच.